हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वॉशिंग मशीन प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जिसमें हम सीखने वाले हैं वॉशिंग मशीन में कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट किए जाते हैं, उन कंपोनेंट्स की वर्किंग किस तरह से होती है, प्रॉपर कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले कंपोनेंट्स की बात की जाए तो हमारे पास एक वॉश टाइमर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉश टाइमर जो है वो 7 वायर वॉश टाइमर है। वॉश टाइमर 4 वायर के लिए भी आता है, 6 वायर के लिए भी आता है। तो आज के वीडियो में 7 वायर वॉश टाइमर के बारे में कनेक्शन सीखने वाले हैं। एवं हमारे पास एक यहाँ पे सिलेक्टर स्विच कनेक्ट किया जाता है। इस सिलेक्टर स्विच से हमारे वॉशिंग मशीन की जो स्पीड है उसे लो मीडियम कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमें मोटर को वॉश में रन करना होता है तो वॉश मोटर रन होती है। जब सिलेक्टर स्विच को हम स्पिन मोटर में कनेक्ट करते हैं तो हमारी स्पिन मोटर या सूखने वाली मोटर रन होती है। हमारे पास जैसे कि इसमें 2 मोटर कनेक्ट होती है, तो इसके लिए जो वॉशिंग मशीन में जो कैपेसिटर लगाया जाता है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 तार होते हैं। 2 वायर स्पिन मोटर के लिए, दैट मीन सुखाने वाले पोर्शन के लिए होते हैं, और 2 वायर यहाँ पर देखा जाए तो वॉश के लिए होते हैं जहाँ पे कपड़े हमारे धुलते हैं। तो आपको कलर कोड दिया गया होगा कौन से वायर आपको स्पिन मोटर में लगाना है और कौन से तार आपको वॉश मोटर में लगाना है। ये एक डोर स्विच होता है। बेसिकली ये जब क्लोज होता है, बेसिकली डोर स्विच जब लगा हुआ होता है आपका सूखने वाला या स्पिन मोटर तभी रन होता है। यदि आपका डोर स्विच खुला हुआ होगा या आपका सूखने वाला पोर्शन खुला हुआ होगा तो आपके स्पिन मोटर या सूखने वाला पोर्शन कभी भी रन नहीं करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक वॉश मोटर है जो कि धुले वाला सेक्शन जहाँ पे कपड़े हमारे धुलते हैं, और इस मोटर में हमारे पास 3 तार होते हैं, कॉमन स्टार्ट और रन के 3 तार होते हैं। ये देख सकते हैं आप स्पिन मोटर होते जो कि सूखने वाले पोर्शन होते हैं जहाँ पे कपड़े हमारे सूखते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारे पास 3 तार होते हैं। मोटर में सिंगल फेज मोटर होती है जिसमें कॉमन स्टार्ट एंड रन हमारे पास 3 तार होते हैं। इन सभी का प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा सब कुछ हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास इनपुट सप्लाई है। आप इनपुट सप्लाई में देख सकते हैं हमारे पास फेज, न्यूट्रल एंड अर्थ के 3 तार आते हैं। इन सभी का प्रॉपर कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा सब कुछ सीखने वाले हैं। बेसिकली देखा जाए तो स्पिन मोटर होती है वो सुखाने के लिए होती है, और जो वॉश मोटर होती है, वॉश मोटर देखा जाए तो हमारे कपड़े धोने के लिए होती है। कुछ समय के लिए हमारी मोटर की डायरेक्शन चेंज होती है, फॉरवर्ड में रन करती है, कुछ समय के लिए रिवर्स में रन करती है। तो जो डायरेक्शन होती है वो थोड़े समय के लिए कंटिन्यू चेंज होती रहती है। तो इन सभी का प्रॉपर कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा हम काफ़ी आसान तरह से स्टेप बाय स्टेप सीखने। चलिए सबसे पहले अर्थिंग की बात की जाए तो अर्थिंग का वायर हमें स्पिन मोटर की बॉडी पर भी कनेक्ट करना होता है और वॉश मोटर की बॉडी पर भी कनेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम अर्थिंग वायर को दोनों मोटर की बॉडी पर कनेक्ट कर देते हैं ताकि जब भी कोई लीकेज करंट हो तो वहाँ से ग्राउंड हो जाए। चलिए यदि न्यूट्रल कनेक्शन की बात की जाए तो हमारे पास दोनों सिंगल फेज मोटर होती है और दोनों में हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। तो दोनों मोटरों में जो कॉमन वाला तार होता है, ध्यान रखिए कॉमन वाले तार में आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो देखिए दोनों मोटर के हमने कॉमन तार को यहाँ पर ले लिया है और जो हमारे पास मेन न्यूट्रल आया है वो हम दोनों मोटरों में कॉमन वाले सिरे पर यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। तो न्यूट्रल हमारा वॉश मोटर में भी चला चुका है और स्पिन मोटर में भी जा चुका है। यदि आपके पास बजर हो या अलार्म हो तो आपको अलार्म में भी कनेक्ट करना होगा। हमारे पास यहाँ पर अलार्म नहीं है इसलिए हम अलार्म में न्यूट्रल कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। यदि आपके पास अलार्म है तो आपको न्यूट्रल अलार्म में भी देना होगा। इसके अलावा फेज वायर की बात की जाए तो जो फेज वायर होता है सबसे पहले ये फ्यूज में जाता है ताकि कभी भी शॉर्ट सर्किट हो या हाई करंट फ्लो हो तो ये फ्यूज बेसिकली देखा जाए तो बर्न्ट हो जाए या जल जाए, जिससे हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो प्रॉपर रन करते रहे या सेफ रहे। तो सेफ्टी पर्पज के लिए यहाँ पे हमारे पास एक फ्यूज कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहले यदि हम कैपेसिटर के कनेक्शन की बात की जाए तो कैपेसिटर में आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 तार नजर आ रहे हैं। तो जो ग्रे और ब्लैक वाले तार है, ग्रे और ब्लैक वाले स्पिन मोटर के लिए है, और जो रेड और येलो तार है वो वॉश मोटर के लिए है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्पिन मोटर के लिए वो 6 माइक्रोफेरेट के लिए है और जो वॉश मोटर के लिए वो 8 माइक्रोफेरेट के लिए है। तो यदि आपको बेसिकली जब भी जो बेसिकली जो ज़्यादा रेटिंग के तार होते हैं वो आपके वॉश मोटर के लिए होते हैं और जो कम रेटिंग के तार होते हैं वो स्पिन मोटर के लिए होते हैं, क्योंकि वॉश मोटर बड़ी होती है और उसके ऊपर ज़्यादा लोड होता है इसलिए वॉश मोटर में ज़्यादा रेटिंग का कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है। चलिए कैपेसिटर का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा हम समझ लेते हैं।
देखिए तीन दोनों मोटर में हमने क्या किया है, कॉमन सिरे पे न्यूट्रल न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। अब दोनों मोटर में हमारे पास दो दो तार बच रहे हैं, जो कि एक रनिंग वाला होने वाला है, एक स्टार्टिंग वाला होने वाला है। तो देखिए एक किसी भी तार में हमें स्पिन मोटर में पहले हम ब्लैक वाला तार कनेक्ट कर देते हैं। देखिए जो रनिंग और स्टार्टिंग के बच रहे हैं, आपको दोनों तार में कैपेसिटर के दो तार कनेक्ट कर देना है। तो ये दूसरा वाला तार बच रहा है, उसमें हम यहाँ पे कैपेसिटर का दूसरा तार कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे स्पिन मोटर में कैपेसिटर का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी तरह वॉश मोटर में देखा जाए तो वॉश मोटर के लिए हमारे पास रेड और येलो तार है, और वॉश मोटर में भी हमारे पास दो तार बच रहे हैं। देखिए एक में हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है, अब जो बचे हुए दो तार है वो रनिंग और स्टार्टिंग के हो गए, तो दोनों में हम क्या करते हैं कैपेसिटर का एक एक तार कनेक्ट कर देते हैं, जो हमारे वॉश मोटर के लिए होने वाले है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे कैपेसिटर का भी कनेक्शन हो चुका है। देखिए दो तार हमने स्पिन मोटर में कनेक्ट कर दिए और दो तार हमने वॉश मोटर में कनेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमारे कैपेसिटर का कनेक्शन कंप्लीट होता है और दोनों मोटर में हमारे कैपेसिटर कनेक्ट हो चुका है। अब फेज सप्लाई किस तरह से दी जाएगी हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले है। चलिए अब फेज सप्लाई की बात की जाए, फेज सप्लाई किस तरह से दी जाएगी। तो सबसे पहले हमारा जो फेज होता है फ्यूज में आता है। इस फ्यूज से निकलने के बाद जो फेज आता है वो सबसे पहले हमारे टाइमर में जाता है, जो वॉश टाइमर होता है। वॉश टाइमर में जो ग्रे वाला तार होगा, जहां पे तीन तार दिए गए, एक तरफ तीन तार दिए जाते हैं, एक तरफ चार तार दिए जाते हैं, तो जो ग्रे वाला तार होने वाला है यहाँ पे आपको फेज सप्लाई कनेक्ट करना होगी, जो सेंटर में कनेक्ट होता है। तो देखिए हमारा जो फेस आया था वो उस टाइमर में आ चुका है। अब देख सकते हैं हम हर एक स्टेप को काफ़ी आसान तरह से सीख रहे हैं। देखिए ग्रे के साथ जो ब्लैक तार होता है वह एनसी होता है, दैट मीन्स ग्रे के सप्लाई कंटिन्यू यहां से निकलेगी ब्लैक तार से, और ये ब्लैक तार से जाएगी हमारे सिलेक्टर स्विच में। देखिए सिलेक्टर स्विच में एक साइड एक तार एक पॉइंट और एक तरफ तीन पॉइंट है, तो जिस तरफ सिंगल पॉइंट है उस तरफ आपको सप्लाई का यह वाला तार कनेक्ट कर देना है। देखिए जो ग्रे तार से सप्लाई आई थी वो इस टाइमर से होते हुए जितनी देर हमारा टाइमर ऑन रहेगा उतनी देर यहाँ से सप्लाई निकलेगी और हमारे सिलेक्टर स्विच में जाएगी। देख सकते हैं आप हमारे सिलेक्टर स्विच में सप्लाई अभी पहुंच चुकी है इस रेड वाले तार से, और जैसे ही हमारे टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा, सपोज 15 मिनट या 25 मिनट बाद, तो उसके बाद जो ग्रे की सप्लाई थी वो ब्लैक से कट हो जाएगी और इस पिंक वाले तार से निकलेगी, जो बजर में जाएगा और अलार्म हमारा बजेगा। तो जैसे ही हमारे टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तो पिंक वाले तार से सप्लाई निकलेगी। अब यहाँ पे चार तार आप देख सकते हैं, जिसमें दो तार आपको बड़े मिलने वाले हैं और दो तार आपको छोटे मिलने वाले हैं। तो जो दो तार छोटे होने वाले हैं आपके स्पीड के तार होने वाले हैं, देख सकते हैं आप, जो कि आपको सिलेक्टर स्विच में कनेक्ट करना होगा। एक लो स्पीड के लिए होने वाला है और एक हाई स्पीड के लिए होने वाला है। तो आप इन दो तार को सिलेक्टर स्विच के आप देख सकते हैं इन दो पॉइंट्स में कनेक्ट कर देना है। यदि स्पीड में आपको कनेक्ट करने के बाद प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे हाई है यदि वहाँ पे लो चल रही है, तो आप इन दोनों का वायर को इंटरचेंज कर दीजिए। देख सकते हैं आप इन्हें कहीं भी लगा सकते हो। जब आपके स्पीड में यदि प्रॉब्लम आए मशीन को चलाने पर, तो आप इन दोनों वायरों को इंटरचेंज कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल और काफ़ी बेसिक है। तो देखिए जो टाइमर से हमारे दोनों छोटे तार निकले हुए थे, उन दोनों तार को हम यहाँ पर सबसे पहले इस सिलेक्टर स्विच में कनेक्ट कर दिया है, जिससे सिलेक्टर स्विच में आप देख सकते हैं कि हमारी सप्लाई भी आ चुकी है, प्लस स्पीड के वायरों का भी कनेक्शन हो चुका है। अब इस सिलेक्टर स्विच में एक ग्रे वाला तार जो होगा, यह ग्रे वाला तार हमारा निकलेगा, और इस ग्रे वाले तार से बेसिकली देखा जाए तो स्पिन मोटर हमारी रन होने वाली है। जब हम सिलेक्टर स्विच को बेसिकली स्पिन पर सेट करेंगे तो यहाँ से हमारा फेस निकलेगा और यह जाएगा डोर स्विच में। सबसे पहले यह जाएगा हमारे डोर स्विच में। जब डोर स्विच क्लोज होगा तभी हमारी स्पिन मोटर रन करेगी। यह क्या होता है, हमारी जो स्पिन मोटर होती है काफ़ी हाई स्पीड में रन करती है। यदि डोर स्विच हम ओपन कर देते हैं तो अंदर जो भी बेसिकली देखा जाए सर्फ या जो भी पानी होता है वो बाहर आ जाता है। तो हम इसलिए यहाँ पर एक स्विच कनेक्ट करते हैं। जब आपका डोर स्विच क्लोज कंडीशन में रहेगा तभी ये रन करेगा। तो यहाँ से हमारा डोर स्विच का जो दूसरा वाला तार होगा उसे ले जाके हमारे पास जो स्पिन मोटर का जो रनिंग वाइंडिंग का तार है, ध्यान रखिए जो स्पिन मोटर का रनिंग वाइंडिंग का तार है वहाँ पर हमें इस डोर स्विच से जो निकलने वाला वायर है उसे कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा डोर स्विच का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, सिलेक्टर स्विच का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और स्पिन मोटर का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। डोर स्विच से होते हुए हमारी सप्लाई स्पिन मोटर के रनिंग पॉइंट में जा चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दो तार बच रहे हैं ये टाइमर के लिए, जो कि बड़े तार है। ये दो तार हमारे जाएंगे वॉश मोटर में। वॉश मोटर में क्या होता है, हमारी मोटर थोड़े टाइम के लिए क्लॉकवाइज घूमती है और थोड़े टाइम के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो ये दोनों तार हमारे ये रनिंग जहाँ पे हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया है वॉश मोटर में, उन दोनों तारों पे हमें इन्हें लगा देना है।
क्या होगा, टाइमर से कुछ समय के लिए हमारी सप्लाई क्लॉकवाइज के लिए निकलेगी तो हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमेगी, और टाइमर से कुछ सेकंड के लिए हमारी सप्लाई रिवर्स डायरेक्शन के लिए निकलेगी तो जिससे हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाली है। तो ये सभी सेटिंग हमारे टाइमर में दी गई होती है, तो इसलिए हमने क्या किया है, दोनों तार को जो यहाँ पर निकले थे तो हमने वॉश मोटर में कनेक्ट कर दिए है, जो कि स्टार्टिंग और रनिंग वाले टर्मिनल में होने वाले हैं। तो स्पिन मोटर हमारी एक ही डायरेक्शन में रन करती है और जो वॉश मोटर होती है वह हमारे दोनों डायरेक्शन में रन करती है कुछ समय के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह हमने प्रॉपर कनेक्शन किया है, या आप देख सकते हैं ऊपर इस तरह के बटन लगाए जाते हैं जो कि एक हमारे स्पिन मोटर पर लगता है, बेसिकली देखा जाए तो एक सिलेक्टर स्विच पर लगता है और एक हमारे टाइमर पर लगता है। टाइमर कई डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के भी आते हैं, 4 वायर भी आता है, 6 वायर भी आता है, और किसी किसी में स्पिन टाइमर भी दिया जाता है, वॉश टाइमर भी दिया जाता है। तो उन सभी का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, उन सभी के ऊपर हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने वाले हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह वॉशिंग मशीन प्रॉपर कनेक्शन किया जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं, उन सभी की वर्किंग किस तरह से होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।